हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू अवर ग्रामर चैप्टर मॉडल्स। इन माय लास्ट पीरियड आई हैड टॉट यू द मॉडल ऑक्सिलरी वुड, सो लेट वी कंटिन्यू फ्रॉम मस्ट। सो व्हेन वी यूज मस्ट एज एन ऑक्सिलरी टू एक्सप्रेस कंपल्सन, जब हमको कुछ मजबूरी या अनिवार्यता बतानी है तब हम मस्ट यूज़ करते हैं सेंटेंस में एज आ मॉडल ऑक्सिलरी। यू मस्ट बी हियर बाय 6 o'clock, 6 बजे तक तो आप यहाँ पे आ जाओगे। कंपल्सन बता दे, अनिवार्यता भी, आप यहाँ पे इतने बजे तो आ सकते हो। टू एक्सप्रेस ड्यूटी, अगर हमको कुछ ड्यूटी बजानी है, बतानी है, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, मस्ट। इन इंडिया ट्रैफिक मस्ट कीप टू द लेफ्ट, इंडिया में ट्रैफिक लेफ्ट में ही होना चाहिए। इंडिया में ट्रैफिक लेफ्ट में ही रखना चाहिए, तो ये क्या बताता है, यहाँ पे एक ड्यूटी बताता है। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब सत्यता बताने के लिए। ही मस्ट बी वेरी पुअर, इट मीन्स कि वो बहुत गरीब होना चाहिए, मतलब वो गरीब होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस इम्फैटिक एडवाइस, अगर कुछ इम्फैटिक एडवाइस बताना है, मतलब इम्फैटिक मतलब मजबूत सलाह बतानी है, तब हम मस्ट यूज़ करते हैं। यू मस्ट टेल ओनली द ट्रूथ, आपको हमेशा सत्य ही कहना चाहिए, सही सत्य ही बोलना चाहिए। देन आफ्टर ऑटो कब यूज़ करते हैं, तो टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, अगर हमको कुछ ड्यूटी या कर्तव्य बताना है, ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य बताना है, हमारी फर्ज बतानी है, ड्यूटी, तब भी हम यूज़ करते हैं ऑटो। वी ऑट टू रिस्पेक्ट अवर नेशन, हमको हमारे कंट्री का, हमारे राष्ट्र का हमको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑब्लिगेशन या ड्यूटी बताने के लिए ऑट टू यूज़ किया है। टू गेट एडवाइस पाने के लिए, यू ऑट टू प्रैक्टिस डांस फॉर एटलीस्ट 3 months, आपको डांस की प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 महीना तक करनी चाहिए, एक एडवाइज है, क्या है एडवाइज। दोस्तों यूज टू का यूज़ हम ऑक्सिलरी कब करते हैं, तो टू एक्सप्रेस द हैबिट्स ऑफ द पास्ट, हैबिचुअल पास्ट मतलब पास्ट में कुछ आदत थी वो बतानी है, तब हम यूज टू का यूज़ करते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज सुबह क्रिकेट खेलने की मुझे आदत थी। टू एक्सप्रेस एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, पास्ट में कुछ चीज एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व में थी वो बताने के लिए भी हम यूज टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर यूज टू बी अ वेल इन दिस प्लेस लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले यहाँ पे एक कुआ वेल हुआ करता था, तो ये क्या बताता है, एग्जिस्टेंस अस्तित्व के पहले यहाँ पे वेल मतलब कुआ था, बहुत साल पहले यहाँ पे ये जगह पे कुआ हुआ करता था, मतलब यहाँ पे कुआ था, मतलब यहाँ पे कोई अस्तित्व, वेल का अस्तित्व बताया है। तो पहले की आदत बताने के लिए या पहले की कोई अस्तित्व बताने के लिए हम यूज टू यूज़ करते हैं। आउट टू, आपको बात मालूम है कि कुछ एडवाइस सलाह बतानी है या ड्यूटी बतानी है, तब हम आउट टू यूज़ करते हैं। और मस्ट को हमको कुछ अनिवार्य संयोग बताना है, अनिवार्यता बतानी है, तब मस्ट मतलब कंपल्सन बताना है, या तो ड्यूटी बतानी है, या तो कुछ बहुत मजबूत एडवाइस करनी है, सलाह सूचन करना है, मस्ट यू मस्ट डू इट, ऐसा कुछ बताना है, तब हमको हम मस्ट यूज़ करते हैं।
So here we have completed models. So I want to explain exercise. आपको exercise मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों. तो exam में ये जो model है उसका question आता है exam में. तो let me start exercise of model. चलो model की हम exercise करवाते हैं. मॉडल की एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन कूड मे और माइट. दोस्तों ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है. फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स पूछेगा. मॉडल का क्वेश्चन ब्लैंक में आ गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन कूड मे और माइट. कैन कूड मे और माइट से ये जो ब्लैंक है उसको पूरा करो. तो फिल इन द ब्लैंक विथ कैन कूड मे और माइट. इट मीन्स के कैन कूड मे और माइट का यूज करके आपको ब्लैंक पूरा करना है. फर्स्ट नंबर ही डैश डांस वेरी वेल इन हिज यूथ. दोस्तों यहाँ पे देखो, जब वो युवान था तब वो अच्छी तरह से डांस कर सकता था, मतलब वो करता था. तो यहाँ पे पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी है, इसलिए क्या यूज करेंगे हम कूड. प्रेजेंट में कैन आता है तो पास्ट में कूड, यहाँ पे आएगा कूड. क्या आएगा? कूड. डैश कैन, सॉरी डैश गॉड ब्लेस यू, डैश गॉड ब्लेस मी. दोस्तों यहाँ पे डैश गॉड ब्लेस मी, यहाँ पे ब्लेसिंग के लिए क्या यूज होता है? मे गॉड ब्लेस, सॉरी यहाँ पे यू आएगा ब्लेस. मे गॉड ब्लेस यू. आई डैश हैव गॉट, माई फ्लाइट इफ आई हैड गॉट द टैक्सी वेल इन टाइम. आई डैश हैव कॉट माई फ्लाइट. हैव कॉट, आई डैश हैव कॉट माई फ्लाइट, मुझे मेरी फ्लाइट मिली होती, पकड़ी होती, मैंने फ्लाइट पकड़ी होती. इफ आई हैड गॉट द टैक्सी वेल इन टाइम, अगर मुझे समय से टैक्सी मिली होती. इफ आई हैड गॉट टैक्सी वेल इन टाइम, मुझे समय सर, अच्छे समय में मुझे टैक्सी मिली होती समय सर, तो आई माइट हैव. यहाँ पे देखो, आई माइट हैव गॉट, मैं फ्लाइट को पकड़ सका होता, मैं फ्लाइट पकड़ सका होता. कब? जब मैं टैक्सी मुझे समय सर मिली होती. अगर मुझे समय सर टैक्सी मिली होती तो आई माइट, तो माइट फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी है बताने के लिए क्या आएगा? मेगा पास्ट माइट, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी. प्रेजेंट में
में, यानी फ्यूचर में क्या आएगा, माइट। आर यू श्योर यू डैश ट्रैवल अलोन? आर यू श्योर यू डैश ट्रैवल अलोन? आर यू श्योर, क्या आप श्योर हो? यू क्या आएगा, यू कैन ट्रैवल अलोन, आप अकेले ट्रैवल कर सकते हो, आप श्योर हैं कि आप अकेले ट्रैवल कर सकते हो। वी डैश फिनिश द वर्क इन टू डैश, वी डैश फिनिश द वर्क इन टू डैश, हम दो दिन में काम फिनिश कर सकते थे या कर सकते हैं, कर सकते हैं तो क्या आएगा, कैन। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बताने के लिए क्या आएगा, कैन। डैश यू लैंड मी योर पेन प्लीज, डैश यू लैंड मी योर पेन प्लीज। देखो यहाँ पे दोस्तों रिक्वेस्ट बताई है तो कुड यूज कर सकते हैं क्या, कुड यू लैंड मी योर पेन प्लीज, यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट बताए। ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, यहाँ पे क्या बताए हैं, ब्लेसिंग दिया है, तो क्या आएगा ब्लेसिंग के लिए, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, आपके सभी सपने पूरे हो, ये ब्लेसिंग है, तो ब्लेसिंग के लिए हम मे यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड मॉडल्स, नाउ वी विल डिस्कस न्यू चैप्टर इन अवर नेक्स्ट पीरियड। थैंक यू, जय स्वामीनाथ।